हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी बात करेंगे अभिषेक बच्चन और यामी गौतमी का अपकमिंग मूवी दसवीं के बारे में, जो कि डायरेक्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होंगे। ये मूवी जियो स्टूडियोज़ और नेटफ्लिक्स पे सेम डे पे रिलीज़ होंगे, जिसका रिलीज़ डेट भी आज अनाउंस कर दिया है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि ये दसवीं का ट्रेलर कैसा हुआ और इसके बाद ही बात करेंगे इस ट्रेलर को लेकर। तो सुबह की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि टीचर भर्ती घोटाले में एसआईटी की छानबीन होने तक मुख्यमंत्री गंगाराम चौधरी को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है। उस दरवाजे से सर झुका के घुसू इसमें, वह उतनी के जो चौधराहट की पगड़ी है, झुकती कोनी, पूरा गेट खुलवा। अरे यू के बड़ा कोनी भाई, बचा सत्ता संभाल बिम्मो, इब तू सीएम की बीवी नहीं, खुद सीएम है जी? और ऊंचा बोला कर, मैं योके परोस दिया। कितना पढ़े? आठवीं तक। आठवीं पास के लिए क्या क्या काम है आपके डिस्ट्रिक्ट? घना घमंड है न तन्ने अपनी इस पोजीशन का, मिन्नट ना लगेगा तोड़ने में। मिन्नट तो मिलने ना लगेगा थारी अकड़ तोड़ने में, अनपढ़ गवार आदमी। अब क्या करना चाहते हो? एक पुराना सपना पूरा करने आया। कौन सा वाला बाकी रह गया? दसवीं। अगर नहीं कर पाए तो दोबारा सीएम की कुर्सी पे चौधरी ना बैठे। सरकार चलाने के बाद मैं गाय भैंस ना चराऊंगी, सीएम तो बिमला देवी रहेगी। बस बस, दूसरा अटैक आ गया तो दसवीं की जगह तेरहवीं हो जाएगी। जरूरी नहीं राजनीति की समझ रखने वाला दसवीं पास करने की भी समझ रखता हो। पढ़ा लिखा जाट, सोड़ा दुनिया, सो डोंट बी स्मार्ट। दसवीं के ओपिनियन पोल्स आ गए हैं, आपके बस की नहीं। चौधरी का कद न कभी कटा है न कभी कटेगा, दसवीं तो चौधरी कब गिरा है। तो अभिषेक बच्चन आजकल सच में बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट पे काम कर रहे हैं, जिसका लाइव एग्जांपल है ये दसवीं मूवी। तो ये मूवी का प्रोड्यूसर है दिनेश विजन, जिसने इससे पहले स्त्री और मिमी जैसे मूवीज प्रोड्यूस किए हैं। तो दिनेश विजन जिस मूवी को प्रोड्यूस करते हैं उसका कंटेंट बहुत ही यूनिक, बहुत ही हटके टाइप होते हैं, लेकिन वो कंटेंट को मास ऑडियंस तक एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टोरी के बारे में जो जितना देख के मिला कि अभिषेक बच्चन एक चौधरी साहब है जो कि सीएम थे पहले, लेकिन कुछ मतलब इन्वेस्टिगेशन के कारण उनको जेल जाने पड़ेंगे। अब उसके बाद ही उनके जो पत्नी है वो उनके जगह पे सीएम होंगे। अब अभिषेक बच्चन का एक जो पुराना सपना था कि वो दसवीं तक पास करेंगे, अब वो दसवीं तक पास कर पाएगी कि नहीं, या फिर ये प्रोसेस में जो उनके बीबी सीएम बन गए, बीबी सीएम पोस्ट से वो नहीं हटेगी, तो अभिषेक बच्चन का क्या होगा? क्या वो फिर से सीएम बन पाएगा? क्या वो फिर से दसवीं पास भी कर पाएंगे या नहीं, या फिर वो जेल पे रह जाएगा? ये सब कुछ जानने के लिए हम लोग को ये दसवीं मूवी देखने होंगे, जो कि 7 अप्रैल नेटफ्लिक्स पे आएंगे। तो यहाँ पे स्टार कास्ट बहुत बढ़िया बढ़िया है, स्टार्टिंग फ्रॉम निमृत कौर, तो यामी गौतमी, तो अभिषेक बच्चन। डेफिनेटली यामी गौतमी का जो यहाँ पे कैरेक्टर है, पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रही है, तो उनका यहाँ पे कैरेक्टर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो मुझे लगता है अभिषेक बच्चन को एक पुश देंगे अपने जो सपने हैं वो साकार करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे अभिषेक बच्चन का जो परफॉर्मेंस देखने को मिला, सच में ही इज़ द मोस्ट अंडररेटेड एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड। इस मूवी से फिर से प्रूव कर दिया है कि अगर उनको अच्छे स्क्रिप्ट और अच्छे डायरेक्टर दे तो वो एक बहुत बढ़िया फिल्म हम लोगों को प्रेजेंट करेंगे विद अ टेरिफिक परफॉर्मेंस। तो ये दसवीं में भी उनका जो परफॉर्मेंस होने वाला है वो पूरे ऑडियंस को फिर से बहुत इम्प्रेस कर देंगे। साथ ही साथ इस फिल्म का जो स्टोरी, जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही अच्छा लगा देखने में। नॉट दोस टिपिकल या फिर ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं कि हम लोग पहले भी ऐसे देख चुके हैं, लेकिन हाँ ये प्लॉट प्रेडिक्टेबल होने वाला है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से ये एग्जीक्यूशन होगा वो सच में देखने में अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ इस फिल्म का लुक एंड फील भी बहुत प्योर, बहुत मुझे नेचुरलिस्टिक लग रहा था। साथ ही साथ अभिषेक बच्चन का जो एक्शन था फिल्म पे वो मतलब बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा था।
फिल्म का जो डायरेक्शन यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में, एक थ्रिल फैक्टर भी देखने को मिलेंगे कि अल्टीमेटली वो 10वीं पास कर पाएगा कि नहीं। साथ ही साथ फिल्म के जो यहाँ पे गाने जो कुछ सुनने को मिला मीका सिंह की आवाज़ में, इट वॉज नॉट दैट बैड, इट वॉज गुड एक्चुअली। आप लोग एंजॉय करोगे जब ये गाना फिल्म पर डेफिनेटली बजेगा। लेकिन हाँ, फिल्म पर थोड़ा ह्यूमर थोड़ा कॉमेडी तो रहेगा ही, क्योंकि दिनेश विजन जिस मूवी पर प्रोड्यूस करते हैं उन सब मूवीज़ में इमोशन के साथ साथ कॉमेडी और ह्यूमर भी रहता है। तो आई एम प्रीटी मच अवेटिंग फॉर दिस मूवी, क्योंकि अभिषेक बच्चन को फिर से एक लीड रोल पे देखने को मिलेंगे आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो अगर आप लोगों ने 10वीं ट्रेलर देख लिए होंगे तो मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बिल भी ऑल कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।